5 साल से यहाँ घाटा ही घाटा दे रहे हैं, यही इसी उम्मीद पर कि इंशाल्लाह आगे कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द कश्मीरी बिजनेस पीपल वन डे। हमें अपने गेस्टों को हम तो वेलकम करने के लिए, गेस्ट के लिए हमको उनको सियाफ के लिए मदद करना पड़ा, उनकी पैकिंग करनी पड़ी, उनको वापस भेजना पड़ा। आई एम मुश्ताक चाया। बेसिकली आई एम वन ऑफ द स्टेक होल्डर ऑफ द टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। तो एट द मोमेंट वी हैव सो मेनी होटल्स इन कश्मीर, लाइक इन श्रीनगर एज अ रेडिसन, वी हैव अ होटल इन पहलगाम एज अ ग्रैंड मुमताज, वी हैव अ होटल इन गुलमर्ग एज अ ग्रैंड मुमताज, वी हैव अ होटल इन सोनमर्ग एज Entry and then Suites by Radisson, and then we have some interest in Jammu also. Entry and then Suites Jammu by Radisson. It was basically a Jhelum Resort, now converted as Entry and then Suites. And we have one hotel in Katra also, in the name of Lemon Tree. And then, Alhamdulillah, we have something in Delhi also. तो चूँकि इस वक्त जो आप का ये है, ये तो हम जम्मू कश्मीर टूरिज्म की बात कर रहे हैं। तो एंड आई वाज द चेयरमैन ऑफ द पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर रीजन, एंड नाउ आई एम द मेंटर ऑफ द पीएचडी चैम्बर ऑफ द कॉमर्स, एंड आई एम द चेयरमैन ऑफ होटलियर क्लब जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें बहुत सारे जितने भी बहुत ज़बरदस्त जितने भी हाई प्रोफाइल होटल्स है यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो जो मुझे बेसिकली कहना है, इट इज़ नॉट ओनली द 5th अगस्त और 4th अगस्त जहाँ से ये हमने मसले शुरू हो गए, तो मैं बिल्कुल कहूँगा इट इज़ 2016 जब यहाँ एक वो मसला हो गया, यहाँ लॉकडाउन हो गया, ये 2016 से हो गया, 9th जुलाई 2016 जो सारे दुनिया को पता है। वो हमने एक साल उसमें जिया, सारा लॉकडाउन हो गया, सारा कर्फ्यूज़ हो गए, सारा बंद हो गया कश्मीर में। फिर 17 में उसका असर पड़ा, 18 में असर पड़ा, तो फिर हम 18 से कुछ थोड़ा सा हमने शुरू किया कि अब हम फिर से निकले, कुछ मार्केटिंग करें, कुछ करें, टूरिज़्म को किसी तरह इस लाइन में लाए। मगर अफसोस की बात यह है कि थोड़ा सा करने के बाद थोड़ा हमने मार्केटिंग शुरू कर दी, थोड़ा सा फिर टूरिज़्म शुरू हो गया। तो अचानक एक दिन हम 4 अगस्त की बात है, 3 अगस्त की बात है, एक गवर्नमेंट ने एक एडवाइज़री निकाली कि आप अपने होटलों को खाली कर दो, जो भी गेस्ट्स है। अब जो भी था, मेरे ख्याल फिर भी 40-50% हमने कवर किया था। तो एकदम विद इन वन डे हमें अपने गेस्टों को हम तो वेलकम करने के लिए, गेस्ट के लिए हमको उनको सियाफ के लिए मदद करना पड़ा, उनकी पैकिंग करनी पड़ी, उनको वापस भेजना पड़ा कि आप चलिए, गवर्नमेंट की एडवाइज़री आई है। And administration was on our head with all stakeholders, either it was Gulmarg, Pahalgam, Sonamarg, Srinagar, houseboat, everywhere, chote hotel, bade hotel, hum unko nikalne mein lage. To hum pareshan ho gaye, kya ho raha hai, hum to achhe bhale the, hame to is cheez ka pata nahi, yatra chal raha tha, bada peak mein tha, Sonamarg was in peak, to अफरा तफरी शुरू हो गई। तो 5 तारीख को हम सुन रहे हैं कि नहीं साहब, यहाँ कुछ पार्लियामेंट में रिगार्डिंग दिस 370 एंड 35A का मसला चल रहा है, जहाँ हम सुन रहे हैं कि यहाँ का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया, और यहाँ जा 35 के जो भी क्लाजेज थे, जो हमारा स्पेशल यहाँ स्टेटस है, वो सारा ख़त्म हो चुका।
तो हम हैरान हो गए कि साहब हम तो अच्छे भले यहाँ थे, अब क्या किया गवर्नमेंट ने, निकालने की क्या ज़रूरत थी। तो बड़ी अफरा तफरी हो गई, कर्फ्यू हो गया, वो हो गया, ये हो गया, जिसमें हम लॉकडाउन में शुरू हो गए। हमारा टेलीफोन बंद हो गए, हमारा इंटरनेट बंद हो गया, हमें बाहर दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए बंद हो गया। अचानक ऐसा लॉकडाउन हो गया कि जो हमारा बराबर दिसंबर चलता रहा, तो दिसंबर तक तो यही इसी कहानी में हम थे। फिर भी हमारा कोई वो इंटरनेट, अब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कोई काम नहीं कर सकता है, हमारा इंटरनेट नहीं चल सकता है। सो मैं सो 3 महीने तो टेलीफोन ही नहीं थे हम किसी से बाहर, वी वर कट ऑफ द वर्ल्ड। इवन कश्मीर वाज टोटली कट ऑफ, इवन जम्मू वाज कट ऑफ। खैर जम्मू में अभी भी जिस तरह हम 2G हमारा अब इन्होंने बाद में छोड़ दिया, तो हम फिर थोड़ा सा निकले कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, किस तरह। तब तक तो किसी के साथ बात नहीं कर, मुलाकात नहीं हो सकती थी, जिस तरह आज कोविड में है। तो मेरे ख्याल इससे ज़्यादा वो परेशानी थी। अब कोई दिसंबर जनवरी तो आपको पता ही है, कश्मीर इज़ यहाँ विंटर होता है, तो उसमें लोग घरों में ही थे, वो होते ही रहते हैं, ये तो यहाँ का सीज़न है। और इस साल बर्फ़ भी अच्छी खासी पड़ी, तो 1-2 महीने इसमें लग गया। फरवरी में कहीं हमने शुरू किया, चला चले करें कुछ देखें, चाहे वो टूरिज़म तो ज़्यादा ही ख़त्म हो चुका था। कहीं हमने प्रोग्राम बनाया कि हम फिर जाएं, कहीं जाएं बाकी स्टेटों में। हम बॉम्बे गए, हम चेन्नई गए, हमारे स्टेक होल्डर्स हर जगह गए कि यार फिर से शुरू करें, कुछ करें। वहाँ के जो हमारे TTF उसमें किया जाना शुरू। तो जब वापस आ गए तो मार्च में अचानक कोविड का मसला शुरू हो गया। उन दिनों भी वहाँ हमने सुना चाइना में कुछ हो रहा है कोविड वगैरह, तो खैर हम इतने उस मामले में इतना नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं था। तो अचानक ही शुरू हो गया कि कोविड आ गया। खैर ये कोई 20 मार्च की बात है, 18 मार्च की, तो यहाँ फिर लॉकडाउन हो गया कि नहीं जी कोई नहीं जा सकता, आ नहीं सकता है। उसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने फिर वो 21 का लॉकडाउन कर दिया। तो हमने भी कहा चलो शायद ये 1 दिन के लिए है, तो सब लोगों ने उसमें कर दिया, सारे गवर्नमेंट ने, सारे कंट्री ने। तो खैर ये सारी दुनिया में हो गए, कहे वहाँ से स्पेन, इटली, अमेरिका, ऑल, जिसमें 186 कंट्री पहले शुरू हो गए, तो हम भी उसमें चलते रहे। तो हालात इतने बुरे हो गए कि हम एक दूसरे को मिल नहीं सकते थे कि नहीं भाई ये खतरा है, वो है, ये है, जो अभी भी है। अभी कोई उसमें कोई इलाज नहीं आया, सारा दुनिया उसमें परेशान है। तो ये जो आज का मसला है, ये तो पहले तो जो हमारा लॉकडाउन था उसमें सारा बिजनेस ख़त्म हो चुका था। टूरिज़म तो वर्स्ट ही वर्स्ट था, क्योंकि टूरिज़म तो 4 अगस्त को ही ख़त्म हो गया। शायद बाद में दिसंबर में कोई दुकान खुली, कुछ खुली, किसी के पास माल था उसने बेचना शुरू किया। तो मगर ये जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, तो इसमें तो जैसे फ्रजाइल आइटम, रात गई बाद गई, तो हमारे जितने भी स्टाफ्स थे वो थे, ये बड़ी परेशानी हो गई। फिर भी हम उनको चलाते रहे, हमने कहा जो भी हमसे हो सकता है। हमारे सारे होटल वालों ने जितने भी हैं, तो बड़ी कोशिश उन बेचारों ने कि उसमें ट्रैवल ट्रेड भी है, टोटल फ्रेटनिटी भी है, सारे निकल गए अपने अपने हिसाब से फिर अपना उसका शुरू करने के लिए। इन द मीनवाइल जो कोविड का मामला आ गया, तो खैर इसमें तो हम क्या कर सकते थे, ये तो सारी दुनिया, यहाँ तो अमेरिका फेल हो गया, तो हम कहाँ क्या करते। तो बस अभी तो यही जान बचाने की ही बातें चल रही है। देखिए ऑनेस्टली बताऊंगा मैं आपको, जो हमारे स्पेशली कश्मीर 2016 से सारे जितनी भी टूरिज्म फ्रेटनिटी है, इसमें होटल वाला है, इसमें गेस्ट हाउस वाला है, इसमें हाउस बोट वाला है, इसमें शिकारा वाला है,
इसमें जो हमारी डेस्टिनेशंस हैं यहाँ, जैसा कि गुलमर्ग है जहाँ घोड़े चलते हैं, स्लेजेस चलते हैं, पहलगाम है, ये हमारी यहाँ की परंपरा और जो एक टूरिज्म का एक बहुत अच्छा हेरिटेज है। एक एक बंदा जो भी इसके साथ वास्ता था, या जो हमारे देखिए, एक तो हमारे 10 लाख लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अब जो इनडायरेक्टली है, जो हमारा टूरिज्म आता था, जो यहाँ के दुकानदार सामान बेचते थे 10 लाख को फीड करने के लिए, या हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है जो इस पर बहुत ही ज़्यादा था, जो इसमें हमारे जो मजदूर लगते थे, लेबर लगती थी, इन एडिशन टू आवर जो हमारे होटलों के बाकी गेस्ट हाउसों के हाउस बोटों के स्टाफ होते थे, उसके अलावा जो बहुत ही नुकसान हो गया। ये 4 साल से हम देख रहे हैं, अब 5वां साल ये हमारा ये जो अगस्त से शुरू है या कोविड में है, 5 साल से यहाँ घाटा ही घाटा दे रहे हैं। यही इसी उम्मीद पर कि इंशाल्लाह आगे कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे, ये हमें 19 तक ये उम्मीद थी, मगर ये जो 19 का मसला हो गया, ये अगस्त से इसमें 370 का मसला आ गया, तब से तो बिल्कुल ही अब ये पोजीशन है, टूरिज्म कोलैप्स हो रहा है। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं परसों ही मीटिंग कर रहा था यहाँ ताज में, हमने मीटिंग बुलाई थी, अब जो स्टेक होल्डर जो बड़े लोग हैं, जो बड़े जिनके होटल है, उन्होंने बैंकों से, सबों ने बैंक से ही काम चलता है, क्योंकि हमने एक होटल बनाया है जिसमें 50 करोड़ रुपया लगते हैं, 10 करोड़ अपने लगाते हैं, 30 करोड़ रुपया बैंक से लेते हैं। मुझे कह रहे थे, हम जनाब क्या करेंगे, हम हमारे भाई क्या करेंगे, किस तरह चलेंगे, अब कौन सा हम नया कारोबार करेंगे। अब जिसने ये तो वो कुआं काम है, ये तो हमने कोई माल नहीं खरीदा है, आज बेचेंगे दूसरा काम करेंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, इसमें तो हम और कोई यूज़ नहीं कर सकते, इसमें स्कूल नहीं बना सकते, इसमें अस्पताल नहीं बना सकते हैं, इसमें कोई दफ्तर नहीं बन सकता है। ये स्पेशली होटल उसी आर्किटेक्चर से बनाया जाता है जो होटल की ज़रूरतें होती है, तो इसलिए इट इज़ कोलैप्स्ड, मैं ये कहूँ। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, जब सोलन का मसला हो गया, जब तब भी यहाँ 6 महीने टोटली टूरिज्म ख़त्म हो गया, बाकी इंडस्ट्री भी सारी ख़त्म हो गई, ट्रेडिंग भी ख़त्म हो गई, मैं मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात के लिए, उस वक्त भी हमने जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी यहाँ, हम उनको मिले, दे रियलाइज़ कि क्या जो भी वो कर सकते थे, कम से कम उन्होंने 33% इंटरेस्ट वेवर किया जिसका भी कोई कर्जा था, और हमदर्दारा उन्होंने हमारे साथ चले, मैं उसके लिए बहुत ही मशहूर हैं उन लोगों का। तो जब ये अब हमारा शुरू हो गया अगस्त का मसला, हमने 3-4 महीने तो पहले यहाँ कोई था ही नहीं, सारा लॉकडाउन था, हम किसको, ना कोई टेलीफोन, ना कोई नेट, ना कोई काम, ना कुछ। तो दिसंबर से हमने शुरू किया था गवर्नमेंट को मिलने के लिए, जिसमें लेफ्ट यहाँ उसी में यूटी बन गई, यहाँ सारा गवर्नर राज पहले था, उसके साथ भी बहुत ही कम मिलना होता है, फिर यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो ब्यूरोक्रेसी हमारी पहुँच तो इतनी नहीं है, हमें उनके साथ कोई वास्ता नहीं, तो फिर भी बड़े कोशिश के बाद हमारे बहुत सारे एसोसिएशन्स, हमारा चैम्बर उसको मिला, हमारा पीएचडी उसको मिला, हमारे ऑल ट्रेड यूनियंस मिले, उसको सारा बता दे दिया, और उसने बड़ा तसली से सुन के बताया, नहीं नहीं ये हकीकत है, ख़ासकर टूरिज़्म, ये हकीकत है टूरिज़्म हमारी वजह से, क्योंकि हमारा तो कोई फॉल्ट ही नहीं था, हम तो बिल्कुल अपने घरों में बैठे थे, अपने होटलों में बैठे थे। तो उन्होंने बड़ा हमदर्दाना ज़बानी हमारे साथ बात की कि नहीं साहब, आपकी बात जायज़ है, ये जायज़ मसले हम हल करें, आपको ये इंटरेस्ट भी माफ़ कर देंगे, आपको हम उस हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसी हमदर्दी करें जिससे आपका कैश फ्लो मिल जाए, आप नए हिसाब से स्टार्ट हो जाए। तो
फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल एमओएस जितेंद्र जी जो हमारे स्टेट के ही है, हमारे 25 एसोसिएशन उनको लिए दिल्ली मिलने के लिए गए। तो दो घंटे जो उन्होंने हमें बताया, मैं आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ बट पी एच डी वॉज द पार्ट ऑफ दैट, होटलियर क्लब वॉज द पार्ट ऑफ दैट। तो उन्होंने बड़े दो घंटे सुना उनको, बड़े ज़बरदस्त हिसाब से। तो कुछ नहीं कहा जी, आपका बिल्कुल जायज़ हर चीज़ के, हर उस खासकर टूरिज़म का, उन्होंने बहुत ही यकीन दिलाई दी कि नहीं नहीं आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, जायज़ है, रिजनेबल है, हम आपको पूरा कंसिडर करेंगे और आपको बाज़ाबता एक पैकेज दे देंगे जिससे टूरिज़्म बहुत ही ज़बरदस्त हिसाब से, नंबर वन जो फाइनेंशियल होगा, जो वेवर होगा, जो भी होगा वो हम करेंगे। और उसके अलावा इस साल आपको 50 लाख लोग एज टूरिस्ट आ जाएंगे, ये उन्होंने कही हमें दिसंबर में। हमारे जो हमारे लीडर्स गए थे उनको बाज़ाबता यकीन दिलाई दी, मगर उसके बाद कोविड शुरू हो गया। हमने कहा नहीं, अफसोस की बात है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 करोड़ रुपया का एक 20 लाख करोड़ की एक पैकेज निकाल दे दी है। तो जो 5 दिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हर रोज़ कहीं 4 बजे से स्टार्ट करते थे, और हम सारे टूरिज़्म प्लेयर्स, टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स, ये शिकारा वाला, ये हाउस बोट वाला, ये होटल वाला, ये रेस्टोरेंट वाला, इस तरह देखते रहे कि ये टीवी में क्या बोले हमारे लिए। पहले दिन कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन कुछ नहीं बोला, अब हमें उम्मीद है तीसरे दिन नहीं, अभी सिर्फ टूरिज़्म, क्योंकि ये जो इन्होंने हमें बताया था, नहीं 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 टूरिज़्म वर्स्ट हिट हो गया है। तो चौथे दिन कहा नहीं जी, अब तो लास्ट दिन है कल, जबकि 11 बजे ही शुरू हो जाएगा। सिर्फ हम देखते ही रहे, मगर माशाल्लाह उन्होंने टूरिज़्म का नाम तक नहीं ले लिया। तब से हम बिल्कुल इसी शौक में हैं कि ये बड़ी बातें हमारे साथ करते थे टूरिज़्म, वो खुद मानते हैं। बल्कि आज के दिन में सिर्फ टूरिज़्म जम्मू कश्मीर नहीं है, आजकल टोटल कंट्री इसमें फंसा है। बड़े बड़े होटल, छोटे छोटे होटल, रेस्टोरेंट, होटल 3 महीने से बिल्कुल बंद पड़े हैं। और ये जो टूरिज़्म है, ये जो होटल इंडस्ट्री है, इसमें एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़बरदस्त, इसमें ज़्यादा खर्चे हैं। जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारा स्टाफ है, ट्रेन स्टाफ होता है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक देम आउट। मान ले लीजिए अगर हम आउट भी कर लेंगे कल को, 2-5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर स्टार्ट, तो फिर कहाँ मिलेंगे ये, वो भी परेशान। जिसमें हमारे, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, तकरीबन हमारे यहाँ 5 लाख जो डायरेक्ट मुलाजिम हैं वो बेचारे अपने घरों में बैठे हैं। अब हमारी हैसियत जितनी थी उतना तो हम चलाते हैं, जो हमारी हैसियत ही नहीं है, जो नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो बट अभी तक गवर्नमेंट ने कोई हमदर्दाना सलूक नहीं दिखाया सो फॉर द टूरिज्म इज कंसर्न। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ख्वाब देख रहे हैं कि सारे कंट्री के लोग कश्मीर आके बिजनेस करें, इम्पॉसिबल। क्यों? आज तक 70 साल हो गए जब से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हैं, आज तक किसी इंडियन जो हिंदुस्तान के रहने बिजनेसमैन्स हैं वो कभी उन्होंने एक पैसा यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर आज के दिन में कश्मीर में कोई इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ कश्मीरी की है, किसी बाहर की नहीं है। क्यों क्यों नहीं वो करेंगे? दे हैव सो मेनी ऑप्शंस इन कंट्री, वो क्यों इस झगड़े वाले मामले में आ जाएंगे? वो क्यों? वो बड़े अक्लमंद होते हैं बिजनेसमैन, वो ऐसे लोग नहीं होते हैं कोई यहाँ 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 5 करोड़ लगाए, वो 1 रुपया नहीं लगाने वाले हैं। ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ। इन्होंने यहाँ गवर्नमेंट ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर ने कि अजी हम यहाँ इन्वेस्टर समिट करेंगे, जिसमें मैं भी एक पार्ट था, मुझे भी बुलाया। खैर, हम तो सुनते रहे। जब ये गए सारे कंट्री में और वहाँ क्या उन्होंने लोगों ने बिजनेसमैनों ने कहा, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेशन दे देंगे। ये कहाँ बिजनेस करेंगे यहाँ, जहाँ साल के 9 महीने सिर्फ कहीं झगड़ा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं कुछ ना कुछ मसला है। तो मेरे हिसाब से जो डोमिसाइल का मामला है, ये सिर्फ कश्मीरी ही यहाँ रह सकता है। और कश्मीर यहाँ बहुत सारे वेदर प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, यहाँ वो कोई इंडस्ट्री ही नहीं बनी है। मुझे बताइए कश्मीर में कौन सी एक्सेप्ट टूरिज्म इंडस्ट्री। हाँ, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ ऐसा इन्हीं लोगों को चलाए, मेरे लिए वो उनके लिए काफ़ी है। हमें क्या बाहर लाने से वो आ जाएंगे इधर, पहले तो आ ही नहीं जाएंगे। अब गवर्नमेंट उनको प्रेशर भी करे, कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं जिधर का म्यूरू उधर का शिकारी, जहाँ जो शिकार हो उधर का ही वो मारने वाला भी होना चाहे। यहाँ के लोग, या देखिए मुझे आप गवर्नमेंट कहे आप मद्रास में जाओ, मे बी स्मॉल एज अ इन्वेस्टर, वाई शुड आई गो देयर? नो, क्योंकि मैं उस वेदर में ही नहीं, मैं उस माहौल में ही नहीं काम कर सकता हूँ। या इवन मुझे कोई कहेगा आप कलकत्ता जाओ, इसलिए सेम इज देम, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। वो अच्छे भले अपने अपने जगहों पर है, हाँ, दे शुड सपोर्ट, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द कश्मीरी बिजनेस पीपुल। हाँ, उनमें क्या कमी है वो नहीं, हाँ, जो हम नहीं कर सकते वो करे, हमें खुशी होगी। जो आज तक हम नहीं कर पाए या आज के बाद हम नहीं कर सकते हैं, जो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हो वो आ जाए, जो जो यहाँ हम नहीं कर सकते, उसके लिए हम उनको वेलकम करेंगे। बाकी जहाँ तक रहा डोमिसाइल का मसला, उसमें ना हमें वो कोई फ़ायदा दे सकते हैं ना कोई नुकसान दे सकते हैं। काम हमें करना है, हमें ही अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। अब जिस तरह आज के दिन हमारे बहुत सारे वेबिनार्स इन दिनों में हो गए सारे कंट्री के साथ, कोविड भी चलेगा, काम भी चलाना है। तो इसमें ये नहीं, कश्मीरी हैज़ अ बिग टैलेंट। जब हमारे लोग सारी दुनिया में जाके काम करते हैं, इसको क्या कमी है इसको, हाँ ठीक है, वो हमें मशवरा दे दे, वो हमें सपोर्ट करे, हम ज़रूर उनके सजेशंस मानेंगे। गवर्नमेंट पहले देखे, जब हम फेल हो जाएंगे फिर बाहर लाने की ज़रूरत है तो लाए, जो हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, मेरी यही अर्जदाइश है, अपील है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर को, उनको कश्मीर की तरफ देखना चाहे, उनको ये करना चाहे कि इनका कोई कसूर नहीं है। जब 4 अगस्त में हमने एक एडवाइजरी निकाले, इनके होटलों से निकाल दे दी, उसमें तो कश्मीर टूरिज्म का कोई फॉल्ट नहीं था। सारे बेचारे अपने पैसे लगा के, अपना हर एक चीज़ लगा के, अपने अपने प्रॉपर्टीज़ों में बैठे थे। ये मैं मानता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत थी उसकी, या क्या था, मैं उस बात में नहीं जाऊँगा, मगर हमारा क्या कसूर है? अगर मैं किसी मजदूर को कहता हूँ आओ जी सुबह आ जाओ, या मैं अपने मुलाजिम को कहता हूँ काम पर आ जाओ, मैं काम नहीं करूँगा, या मैं अपनी वजह से उसको कहूँगा नहीं नहीं आप जाओ इधर से घर, तनख्वाह तो मुझे देनी है ना। तो हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा? दे शुड सेटल द कश्मीर टूरिज़म, ये उनकी वजह से हम दर बदर हो गए हैं। दे शुड सपोर्ट दिल से, मुझे और उम्मीद भी है मोदी जी का, जो हमदर्दाना जो वो हमेशा कहता आया है, मुझे कश्मीर के साथ बड़ा लगाव है। लगाव आज के दिन दिखाए, आज तो कोलैप्स हो गया है टूरिज्म इधर। यहाँ तो सारे जो उसके साथ एसोसिएट्स है 10 लाख लोग, वो ख़त्म हो चुके हैं। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान इस में काम कर रहे हैं, वो इस वक्त कहीं नहीं है। आज का दिन उसको दिखाना चाहे, होम मिनिस्टर साहब को दिखाना चाहे, हमदर्दी किसको कहते हैं। इट इज़ नॉट द कंट्री, वो बड़े अमीर लोग कश्मीर के लिए टूरिज्म के लिए स्पेशल पैकेज उनको बनाना चाहे। और हमें पूरी उम्मीद है, जो उन्होंने वादे भी किए हैं, हो सकता है कोविड की वजह से वो बहुत ही ना ये परेशान हो गए, तो
तो मगर कश्मीर के लिए दे शुड टेक ए स्पेशल सो दैट एवरीबडी विल यहाँ फिर अपने हिसाब से काम करे और एक मैसेज देना चाहे उसको गवर्नमेंट को कि कश्मीर हमारा है, लोगों को कश्मीर जाना। मुझे बताइए कश्मीर के अलावा कौन टूरिज्म डेस्टिनेशन है सारी कंट्री में? कोई नहीं है। मैं कहता हूँ ये वर्ल्ड में, पर आप वर्ल्ड की तरफ नहीं कहे, मगर हिंदुस्तान का तो ये सरताज है, ये हमेशा करते रहे और सो फॉर द टूरिज्म इस जैसी यहाँ तो आराम से एक महीना निकाल सकता है टूरिस्ट, मगर जब वो सपोर्ट करे, अगर उन्होंने ही ब्रेक लगा दी तो हम कहाँ चलेंगे? हम तो उम्मीदों पर ही बैठे हैं, बैंकों से पैसे लिए हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे होटल बनाए हैं, बड़े बड़े ये हाउस बोट्स बनाए हैं, सारा इस पर खर्चा किया है, तो देश को दिल से सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मेरी यही उनसे अपील है, सपोर्ट, एंड दिस इज़ द टाइम जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जब हम ठीक हो जाएंगे यहाँ अपना टूरिज्म सिटा, हमें किस वास्ते हैं? हमें नहीं नहीं हमें वी डोंट नीड एनी बीक से हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर हम तो उनकी वजह से खाली हो गए हैं। प्लीज़ टेल गवर्नमेंट, आई अपील द सेंट्रल गवर्नमेंट कि दे शुड सपोर्ट द टूरिज्म।